नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ग्वालियर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़। हरि दर्शन विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, समय पर ठेकेदार ने नहीं दी बिल्डिंग। विद्यालय के बच्चे साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। साइंस कॉलेज के अधिकारियों ने 11 कमरे दिए हैं जिसमें हरि दर्शन विद्यालय के बच्चे पढ़ रहे हैं। इन कमरों में साइंस कॉलेज के बच्चे भी पढ़ते हैं। इन्हीं कमरों में हरि दर्शन विद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कारण हरि दर्शन विद्यालय के बच्चों का भविष्य खतरे में डूब रहा है, क्योंकि बच्चे महीने में 15 दिन पढ़ते हैं, साइंस कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं। साइंस कॉलेज के परिषद में झाड़ियां खड़ी हैं, उन झाड़ियों में से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े निकलते हैं, कुछ उड़ते भी हैं। कमरों के खिड़कियों के कांच टूटे हैं, कमरे के अंदर आ जाते हैं कीड़े और कई बच्चों के साथ कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। इसी विषय में हरि दर्शन विद्यालय के प्रिंसिपल पीसी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलेज परिषद की तरफ से साफ सफाई करेंगे, झाड़ियां कटवाएंगे, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भानु प्रताप सिंह जादव ने कहा कि 11 कमरे हरि दर्शन विद्यालय के लिए दिए गए हैं, साफ सफाई झाड़ियां हरि दर्शन के विद्यालय की जिम्मेदारी है। दोनों प्रिंसिपल अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बच्चों के साथ में हो रहा खिलवाड़। मध्य प्रदेश शासन कहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को, लेकिन ग्वालियर की स्थिति देख बच्चों का भविष्य खतरे में है। ग्वालियर डिवीजन हेड अतुल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, अतुल सिंह, इंडिया न्यूज 28 से। इस वक्त मैं हरि दर्शन विद्यालय में खड़ा हूँ, विद्यालय के गेट पे, और यहाँ इस साइंस कॉलेज की ये बिल्डिंग है। कुछ दो साल से हरि दर्शन विद्यालय का निर्माण शुरू हो रहा है, अभी तक उन हरि दर्शन विद्यालय के कमरे बिल्डिंग। नमस्कार, अतुल सिंह, इंडिया न्यूज 28। इस वक्त साइंस कॉलेज की गेट पे खड़ा हूँ। कुछ समय से बताया जा रहा है हरि दर्शन विद्यालय की बिल्डिंग का काम चल रहा है, इसलिए हरि दर्शन विद्यालय को शिफ्ट यहाँ साइंस कॉलेज में कर दिया, ये बोर्ड लगा दिया हरि दर्शन विद्यालय का। और इस विद्यालय में प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि हमें कुछ कमरे, 11 कमरे दे दिए साइंस विद्यालय के शासन प्रशासन ने दिए हैं। और यहाँ इतनी गंदगी डली है, झाड़ियाँ खड़ी हैं, कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को, कई कीड़े मकोड़े ने बच्चों को काटा भी था, 8 से 10 बच्चों को। और यहाँ पे देख ही रहे, मैंने इस विषय में प्रिंसिपल साहब पीसी गुप्ता जी को भी अवगत करा दिया, उन्हें कि हम करेंगे। अभी जो अपन चलते हैं अंदर, देखते हैं ग्राउंड में कितनी बड़ी घास है और उस घास में से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। और इस विषय में हमने कॉलेज के प्रिंसिपल जादू साहब से ही बात की, वो कह रहे ये हरि दर्शन विद्यालय की प्रिंसिपल का काम है, और हरि दर्शन के विद्यालय के प्रिंसिपल बोलते हैं, कॉलेज के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल का काम है। देख रहे हैं कॉलेज में जंगल में बच्चे घूम रहे हैं, और कॉलेज परिषद की बड़ी लापरवाही एक सामने आ रही है। ये देख ही रहे बच्चे कैसे घूम रहे छोटे छोटे जंगल में, झाड़ियों में। बताइए सर, जो हरि दर्शन विद्यालय का निर्माण कब से शुरू हुआ है और कब तक बन सकता है, और बच्चों की जो समस्या चल रही है उसमें आपका क्या कहना है? हरि दर्शन विद्यालय का निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हो गया था, और जून 24 तक बनना था, लेकिन उधर काम लेट शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा था ठेकेदार ने और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD ने कि अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगा, सितंबर 30 सितंबर तक बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर मौसम की वजह से, पानी आने की वजह से वो काम थोड़ा लेट हो गया है, और उम्मीद है कि जून 25 तक कंप्लीट हो जाए। तो ये पानी तो सर अभी पड़ा है, 1 महीने पहले, इससे तो पहले कोई पानी, 1 महीने पहले पड़ा है, लेकिन वहाँ भी काम जब शुरू हुआ था सितम्बर में, तो वहाँ भी पानी आने की वजह से थोड़ा सा बिल्डिंग खाली करने की लेट हो गया था, तो 2-3 महीने लेट हो जाता। लेकिन उसके बाद में फिर समस्या ये आई कि ठेकेदार ने काम स्लो रखा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, 2-3 बार उनको बोल चुके हैं, पत्र भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन अब वो
काम अपनी गति से चल रहा है, तो 25 तक होने की उम्मीद है कि काम पूरा हो जाए। तो अभी जैसे लेट काम हुआ, ये ठेकेदार की वजह से लेट हुआ क्या? प्राकृतिक आपदाएं भी रही, चुनाव का वो भी रहा, चुनाव के टाइम पे काम सारे लगभग रुक ही गए थे, तो चुनाव ने उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। 2025 तक तैयार हो जाएगा, जून तक? जून 2025 तक तैयार हो जाएगा। संभावना है, अभी क्लियर नहीं है। संभावना उम्मीद की जा रही है ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के कहे अनुसार। अच्छा जी, अब जो बच्चे इधर पढ़ने आते हैं, कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो बच्चे छोटे छोटे नहीं पढ़ पा रहे, इनके विषय में आप क्या कहोगे? इनके विषय में ये है कि ये बिल्डिंग जो हमें दी थी वो दिसंबर 23 तक के लिए दी थी। दिसंबर 23 के बाद दिसंबर में ही हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था और उस पर कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी ले आए थे, हमने अपने DOJD को भी संज्ञान में लाया था। उसके बाद फिर हमने चौधरी को फिर दिया उस आवेदन को, अप्रैल में फिर दिया उस आवेदन को, लेकिन उस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। और आयुक्त महोदय के यहाँ से टाइम बढ़ाने के लिए अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से साइंस कॉलेज वाले इस भवन में अपनी परीक्षाएं कराते हैं, जिससे विद्यालय पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों का फ्यूचर तो गड़बड़ चल गया, फिर इस तरह से बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में संयोजन बना करके, और जब उनकी परीक्षाएं होती हैं तो उसके बाद के समय में विद्यालय जो है संचालित कराते हैं। इसमें सभी शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, लेकिन अब वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी 10 बजे से करना पड़ता है, कभी 12 बजे हो जाता है परीक्षाओं के कारण से। हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया है कि इस भवन में साइंस कॉलेज की परीक्षाएं ना कराई जाएं, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से और सही तरीके से चल सके। टीचर भी नहीं है, टीचर अभी रिटायरमेंट हो गई, एक मैडम फिर टीचर भी उपलब्ध नहीं। वो तो आप ही रिटायर हुई है, तो कोई ना कोई फिर आ जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है।